भाई ये तो ऐसा लग रहा है बिहार का केला जो इंडिया में मिलता है, छोटा चिनिया केला। मैं तीसरे मॉल में आया हूँ, मैं फेस वॉश ढूंढ रहा हूँ, यहाँ फेस वॉश नहीं मिल रहा है। पता नहीं पब्लिक यहाँ मुंह ही नहीं धोती है क्या भाई। अंदर इस तरीके से इसमें ये गैस जल रही है और इस तरीके से अंदर इन्होंने ये पूरे एकदम जो है ब्रेड लगाए हुए हैं। इस मार्केट में पूरा जो है गोल्ड सेक्शन भी है, यहाँ पे ज्वेलरी बिकती है। शाहरुख खान, यू लव शाहरुख खान। प्याज तो यहाँ का काफी बड़ा बड़ा होता ही है, मोटा मोटा। आलू भी काफी बड़े बड़े हैं भाई यहाँ पे। भाई यहाँ की पब्लिक ये बड़ा खाती है, ये जो है पत्ता गोभी वगैरह और ये खीरा वगैरह, इन सबको जो है किसी सिरके वगैरह में ये लोग डाल के इसको भिगो के रखते हैं, क्योंकि यहाँ घोड़े का भी दूध बिकता है, यहाँ ऊंट का भी दूध बिकता है गाय के साथ साथ। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे रुद्राक्ष हो। इधर ये चाय का सेक्शन है और चाय भी जो है अलग अलग तरीके की है भाई यहाँ पे। यहाँ पे पता नहीं भाई ये क्या चीज है, ये कौन सा फल है, इसकी सब्जी को इस तरीके से छील के इन्होंने रखा हुआ है। हाँ जी, क्या हालचाल। तो आज हम देखेंगे ताशकंद का एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट मार्केट जिसको बोलते हैं चरसू बाजार। यहाँ पहुंचने का मेरे पास तीन तरीके थे। पहला, या तो मैं बस से आता, या फिर मैं लेता टैक्सी, और तीसरा जो मैंने अपनाया पैदल चलने का। आधे घंटे की वॉक करके मैं पहुंच जाता हूं अपने डेस्टिनेशन तक, जो कि था चरसू बाजार। यहाँ इतनी बड़ी पार्किंग, उसको देख के ये चीज तो क्लियर हो रही है कि ये मार्केट कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है। आधे घंटे की वॉक करके मैं पहुंच गया हूँ चरसू बाजार में फाइनली। और बाजार जैसे कि काफी बड़ा, अभी मैं अंदर एंट्री नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पीछे जाना है जो बिल्डिंग है इसके अंदर, पर इसके बाहर भी जो मैंने एरिया देखा काफी बड़ा ये मार्केट है। पार्किंग इसकी काफी बड़ी है और एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा होलसेल का मार्केट है। यहाँ पे वेजिटेबल हो, फ्रूट्स का हो, ड्राई फ्रूट्स का हो, इवन फ्लावर्स तक का भी यहाँ पे सारा मार्केट है। और प्याज तो यहाँ का काफी बड़ा बड़ा होता ही है, मोटा मोटा। आलू भी काफी बड़े बड़े हैं भाई यहाँ पे। इधर भी वेजिटेबल मेरे पीछे, इधर भी वेजिटेबल सामने, फ्रूट्स भी, अंडे भी सामने, ग्रीन वेजीज। फाइनली ये है मेन एंट्री, यहाँ से अपने को करनी है एंट्री। और यहाँ पे आई थिंक बीफ बिक रहा है, ये सारे मसाले स्पाइसेस वगैरह। बीफ बिक रहा है भाई। इस मार्केट को देख के तो मैं ये कह सकता हूँ जो मैंने अलमाटी में ग्रीन बाजार देखा था ये उससे काफी ज्यादा बड़ा है। मेरे दोनों तरफ ये दूर तक इस तरीके से पूरी लाइनों में मार्केट है और सारी तरफ जो है नॉनवेज ही नॉनवेज बिक रहा है। पर साफ सफाई की बात करूँ तो साफ सफाई के मामले में मुझे ग्रीन बाजार ज्यादा अच्छा लग रहा था, ग्रीन बाजार में साफ सफाई ज्यादा थी इससे। भाई यहाँ की पब्लिक ये बड़ा खाती है, ये जो है पत्ता गोभी वगैरह और ये खीरा वगैरह, इन सबको जो है किसी सिरके वगैरह में लोग डाल के इसको भिगो के रखते हैं और इसको खाते हैं। लगता बड़ा टेस्टी है, मेरे होस्ट ने भी मुझे खिलाया है वेजिटेरियन। मतलब इस सिरका टाइप का होता है, इसमें कुछ भी डाल लेते हैं, टमाटर भी डाला हुआ है, लहसुन भी डाला हुआ है, मिर्चा भी डाली हुई है, खीरा भी डाला हुआ है, मतलब जो मन करो वो चीज़ ये लोग डाल लेते हैं। ये डेयरी प्रोडक्ट है, मक्खन जिसको अपन लोग बोलते हैं, मक्खन है, ये क्रीम है, ये घी है। पर अब ये है घोड़े का है कि, क्योंकि यहाँ घोड़े का भी दूध बिकता है, यहाँ ऊंट का भी दूध बिकता है गाय के साथ साथ। ये दूध है, दूध की बोतलें हैं, पर यहाँ ये कंफर्म करना पड़ता है दूध के लिए भी कि ये दूध काव का है या नहीं है। ये भाई काट के इन्होंने पूरी टांगे की टांगे रखी हुई हैं भेड़ की। ये जो सेक्शन है ये भेड़ के मीट का है, इस तरीके से उन्होंने सेक्शन बनाए हुए हैं, जैसे कि अलमाटी में भी था ग्रीन बाजार में, उस तरीके से यहाँ पे भी है सेक्शन बनाए हुए हैं, जहाँ पे आपको एक तरफ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ घोड़े का, एक तरफ मिलेगा आपको चिकन का मीट, तो एक तरफ मिलेगा बीफ। उस तरीके से पूरा इन्होंने एरिया वगैरह बांटा हुआ है। और भाई ये इन्होंने जो है जीभ रखी हुई है उसकी, ये जो भी जानवर है उसकी जीभ है भाई। उसके पैर तक ये लोग अलग से बेचते हैं। ये बंदा जो है यहीं पे अंदर सिगरेट भी पी रहा है, कॉमन। हाँ जी, तो जो ग्राउंड फ्लोर पे था वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए है, वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट और मीट प्रोडक्ट बिक रहे हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर पे जो है अपने ड्राई फ्रूट्स और आई थिंक स्पाइसेस। प्राइस 18,000 सोम। भाई ये मार्केट भी जो है एक तरीके से देखा जाए तो पूरा बार्गेन मार्केट है। मैंने उससे प्राइस पूछा, उसने 17,000 बोले, फिर 16 पे आया,
फिर 15 पे भी आ गया। जैसे कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ये अपने इंडिया में भी मिलता है, ये भी मिलता है, वो छुआरा हो गया, मूंगफली हो गई, दिस इज, ये सारा जो है इंडिया में भी अवेलेबल होता है, वही सब चीज़ें ये है भाई। ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये इंडिया में नहीं है, ये रेड वाला हो गया, ये चेरी हो गई, ये हो गई, ये किशमिश जो इंडिया में भी मिलती है, ये पता नहीं क्या चीज़ है भाई, ये इंडिया में मैंने नहीं देखी है। ये एक ऑरेंज है, एक येलो कलर की है, ये नहीं देखी। और भाई सबसे स्ट्रेंज, अखरोट जो है ये टूटा हुआ भी है, और अखरोट जो वॉलनट होता है ये पूरा का पूरा साजे में भी है, इट्स फुल होल, देखने में ऐसा लग रहा है रुद्राक्ष हो। बादाम भी है, बादाम अपना सेल में भी है, पिस्ता भी है, इधर अपना जो है काजू भी है, 1.5 लाख सोम भाई। काजू का प्राइस मैंने इनसे पूछा, 1.5 लाख सोम ये बता रहे हैं, 150 तो डिवाइड कर लें, डिस्काउंट बोला डिस्काउंट, और उसके बाद ये डिस्काउंट भी दे रहे हैं ब्रदर। भाई मैं यहाँ पे आया हूँ भाई की दुकान पे, यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस हैं, मसाला इंडिया में भी मसाला बोलते हैं, मसाला जरूर है, या मसाला भाई जान। भाई ये धनिया है, ये काली मिर्च पिसी हुई, ये लाल मिर्च भी इन्होंने किसी के साथ पिसी हुई है, ये धनिया है आधा पिसा हुआ, जीरा वही साबुत काली मिर्च भी है, ये लाल मिर्च में भी इन्होंने पता नहीं कुछ पीसा हुआ है, ये लाल मिर्च जो चिल्ली फ्लेक्स है, ये मोटा वाला चिल्ली फ्लेक्स है, थैंक यू। चाय, ओके, ये चाय का सेक्शन लगा हुआ है, इधर स्पाइसेस थी, इधर ये चाय का सेक्शन है, और चाय भी जो है अलग अलग तरीके की है भाई, यहाँ पे फ्रूट्स डले हुए हैं इस चाय में भी ड्राई फ्रूट्स हैं, किसार, और ये केसर है, वाव भाई, ये सारा जो है चाय का सेक्शन है, ये सारा चाय है, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इन चाय से भाई। ये बंदे के पास चाय थी और इतनी सारी तरीके की चाय लगी हुई थी कि मैं क्या ही बताऊं, और इतनी बढ़िया उसमें से खुशबू आ रही थी, काफी बड़ा मार्केट है इधर। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे पूरे राउंड से पूरे में जो है ड्राई फ्रूट्स और आपको मसाले, ये इधर मेरे साइड में ये वेजिटेबल का एरिया भी है, इधर भी वेजिटेबल मिल रही है और पीछे बोरों में भी भरी हुई है, इसका मतलब है कि ये पूरा होलसेल का सिस्टम है इनका भी। यहाँ पे पता नहीं भाई ये क्या चीज़ है, ये कौन सा फल है, इसकी सब्जी को इस तरीके से छील के इन्होंने रखा हुआ है। हाँ, जो उसके 10 बराबर में सारा हाउसहोल्ड का आइटम मिल रहा है, जैसे कि कुकिंग ऑयल, घर में यूज होने वाले डिश वॉश, और ये जो अपन स्कॉच ब्राइट वगैरह यूज करते हैं वो सारी चीज, आटा वगैरह, ये सब चीज बराबर वाले सेक्शन में मिल रही है, और स्पेशली पास्ता, क्योंकि यहाँ की पब्लिक पास्ता बहुत ज्यादा ही खाती है, पास्ता नूडल, ये भी पास्ता, ये स्पेगेटी, पता नहीं क्या क्या नाम इनका रहता है, पब्लिक यहाँ बहुत ज्यादा खाती है, सब चीज यहाँ पे मिल रही है, हाउस होल्ड के बराबर वाले सेक्शन में ये फ्रूट्स का मार्केट है भाई। ये तो ऐसा लग रहा है बिहार का केला जो इंडिया में मिलता है, छोटा चिनिया केला, क्योंकि ये केला स्पेशली बिहार में ही होता है। ये 25,000 सोम का, ये वाला एप्पल 23,000 सोम का, ये ऑरेंजेस 23,000 सोम के, सब 25,000, और ये 17,000 सोम, इट्स गुड। ये वाला जो है 20,000 सोम का, ये 18,000 सोम का एप्पल है। Are you from India? Yeah, I am from India. हाँ जी, तो ये वाला पूरा सेक्शन जो है हैंडमेड स्वीट्स का, इवन यहाँ पे जो पूरी पैकेजिंग भी मिल रही है गिफ्ट पैकेट टाइप का भाई, ये मिश्री आई थिंक इंडिया में जो मिलती है मिश्री। हाँ, तो इस मार्केट के अंदर लोगों ने अब कुछ मॉल टाइप की दुकानें भी बनाई हुई हैं, जैसे कि ये है, यहाँ मैं तीसरे मॉल में आया हूँ और मैं फेस वॉश ढूंढ रहा हूँ, यहाँ फेस वॉश नहीं मिल रहा है, पता नहीं पब्लिक यहाँ मुँह ही नहीं धोती है क्या, इवन ये फेस वॉश जानते ही नहीं है। मैं आ गया हूँ अब इनके ब्रेड वाले एरिए में, और ये सारे के सारे हैंडमेड ब्रेड होते हैं, और यहाँ के ये ब्रेड्स काफी ज्यादा फेमस भी हैं। ये भी ब्रेड है भाई, कटोरी की शेप में, वाओ कटोरी, ये सब भाई ये इसको तोलते हैं पूरा, वेट करके जो है लोई बनाते हैं, वाओ, और ये इस तरीके से अंदर इसमें जो है गैस जल रही है,
ये भाई अंदर इस तरीके से इसमें ये गैस जल रही है और इस तरीके से अंदर इन्होंने ये पूरे एकदम जो है ब्रेड लगाए हुए हैं। यहाँ खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज्यादा ये गर्म हो रहा है। उसके बाद वहां से निकल के ये इस तरीके के ब्रेड बाहर आते हैं, जैसे कि ये निकाल रहे हैं सेम इस तरीके से। भाई इन्होंने इतना बड़ा एक पराठा सा बनाया, उसको इस तरीके से इन्होंने रैप अप किया और उसके बाद जो है ये इन्होंने इससे निशान कर रही हैं और ये सिर्फ इस पे निशान बना रही हैं कटोरी से, अभी इसके बाद कुछ और करेंगी। ओके, ये निशान को इन्होंने इस तरीके से इस रोलर से काटा। हाँ, ये जो बन रहा है ये बन के ये हो जाएगा। वाह, इसके अंदर ये इस तरीके से भर रहे। ओके, जैसे अपने इंडिया में गुजिया बनती है भाई, उस तरीके से ये इन्होंने बनाया और इसके अंदर भर लिया और भर के अब इसको जो है ये बेक करेंगी। बिल्कुल भाई, ये अभी रॉ है और इसको जब बेक कर लेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। हाँ जी, तो अब मैं आ गया हूँ शूज के एरिया में और इस एरिया में जो है सारे शूज मिल जाएंगे, घर में पहनने के, बाहर पहनने के, बूट, हर तरीके के शूज। हाँ जी, तो ये यहाँ का जो है फूड कोर्ट है, यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं और पैक भी करा सकते हो। और यहाँ पे जो है दुनिया भर के कबाब मिल रहे हैं, पर है सारा का सारा एरिया नॉन वेज का ही। जी, तो अब मैं आ गया हूँ बच्चों के सेक्शन में। इस मार्केट में ये बच्चों का भी सेक्शन है, यहाँ पे बच्चों की गाड़ियाँ, साइकिल, बच्चों के झूले, पालने, हर चीज मिलती है। हेलो ब्रदर। हेलो। फिर बड़ा मार्केट है ये, मेरे को जो है यहाँ घूमते हुए लगभग 3.5 घंटे हो गए हैं और ये मेरे को लगता है कि मैंने अभी आधा भी नहीं घूमा होगा। और जिधर से मैंने एंट्री करी थी मुझे पता ही नहीं है कि मैं अब कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। नो, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान। हेलो, बस या हिंद। हिंद। हिंदुस्तान। यस। हेलो, शाहरुख खान। शाहरुख खान। यस, शाहरुख खान। यू लव शाहरुख खान? भाई ये बोल रही है शाहरुख खान को प्यार करती है ये। जी, तो ये मार्केट इतना बड़ा है कि मैं इस मार्केट में खो गया हूँ लिटरली। मेरे को लगभग 4 घंटे से ऊपर हो गए इस मार्केट में घूमते हुए और मेरे को इस मार्केट से बाहर निकलना है और मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ से मैं आया था वहीं से मैं जाऊँ। तो मुझे तो ये नहीं पता कि मैं किस एरिया में घूम रहा हूँ अभी तक। वो जो बिल्डिंग थी जिसमें नॉनवेज बिक रहा था उसके बाहर जो है ये काफी बड़े एरिया में पूरा मार्केट फैला हुआ और यहाँ पे हर चीज मिलती है, चाहे वो आपकी पहनने की हो, खाने की हो, नहाने की हो या यहाँ तक कि धोने की ही क्यों ना हो। सबसे ज्यादा स्ट्रेंज कि इस मार्केट में पूरा जो है गोल्ड सेक्शन भी है, यहाँ पे ज्वेलरी बिकती है। ओह यार, रियली वेरी स्ट्रेंज, ये पूरा का पूरा जो एक सेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी का है। और उसमें ऐसा नहीं कि एक दुकान है, काफी सारी दुकानें हैं इसके अंदर भी, इधर भी, सामने भी, बराबर में भी।